जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम गाना लेकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए सभी जन इन गानों में दिल से भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 103, नारे लगाओ और गाओ रे। गीत क्रमांक 103, नारे लगाओ और गाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राय रे, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राय रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। मंगाया राज सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे। मंगाया राज सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे। हालेलुया 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 का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार बही है। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 104 रोजे रोजे गाऊं। गीत क्रमांक 104 रोजे रोजे गाऊं। रोजे रोजे गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता। पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 18 तू मेरा परमात्मा। गीत क्रमांक 18 तू मेरा परमात्मा। तू मेरा परमात्मा तू मेरा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया।
गीत क्रमांक 123 बहुत ही आनंद हो। गीत क्रमांक 123 बहुत ही आनंद हो। बहुत ही आनंद हो, बहुत ही आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन, अबे सोचो जुबा से बाहर। बहुत ही आनंद हो, बहुत ही आनंद हो, बहुत ही आनंद हो, प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन, अबे सोचो जुबा से बाहर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर। गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर पाएगा गहराई तेरे
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 27 आदि और अंत तू ही है। गीत क्रमांक 27 आदि और अंत तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 93 हम सबके आंसू। गीत क्रमांक 93 हम सबके आंसू। हम सबके आंसू मिटाने को राजा धीराजा आ जाता है। आंसू मिटाने को राजा ही राजा आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू राजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा धी राजा आ जाता है। मन पिघल के रोते समय दुख के सागर में डूबते समय। मन पिघल के रोते समय दुख के सागर में डूबते समय के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा दी राजा आ जाता है। हम सबके आंसू सबके
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम नया गाने लेने वाले हैं, नहीं डरना। नहीं डरना अब से, नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना अब से, नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी सब जन अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। अभी हम उस परमेश्वर की नाच गाकर स्तुति करने वाले हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। नहीं डरना अब से, नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना अब से, नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना अब से, नहीं
नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल भर सागर तू आज फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल भर सागर तू आज फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया
प्रभु का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अपनी जगह पर खड़े ही रहिए। अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए पूरे दिल से नाचते गाते हुए तालियां बजाते हुए ऊंची आवाज में स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना ध्यान उस महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की ओर लगाइए। इस समय शांत हो जाइए, अपने दिल अपने मन सोच और विचार को एक चित्त करके उस महान परमेश्वर की ओर जुड़ जाइए, क्योंकि उसने आज हम सब के ऊपर एक बार फिर से बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी दया किया है कि आज उसने हमारे हाथ को थाम कर अपने चरणों में इकट्ठा किया है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं उसके माहौल में, उसके वातावरण में, तो अपने इच्छा अपने मर्जी से नहीं, परंतु हमारे हाथ को थाम कर आत्मा के रूप में वो मौजूद है। धन्यवाद। उसका वचन कहता है जहाँ पर दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। यकीनन वो आज इस वातावरण में उसका स्वर्ग मौजूद है और उसका सिंहासन हमारा दिल और आपका दिल बना हुआ है, और उस दिल में वो महान परमेश्वर वास करता है और इस समय आत्मा के रूप में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद दीजिए प्रभु तेरा। धन्यवाद। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे हालेलुया 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 पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे
हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दीजिए उस महान प्रेमी परमेश्वर को जिसने अमर्याद हम सब से वो प्रेम किया, हमें आज नया जीवन दिया, जिसने आज हमें नया सवेरा दिया, नया वक्त दिया, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। आप उसकी उपस्थिति में हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने पर हैं, आज उसके माहौल में हैं, आज जगत के अंधकार से निकाल कर प्रभु अपनी रोशनी में खड़ा किया है, इसलिए उसको धन्यवाद दो, उसके नाम की महिमा कीजिए। हमारी जरूरत को उसने पहले तैयार किया, उसने हमें उसके प्रेम को पहचानने के लिए, उसको प्यार को जानने के लिए उसने अपना पवित्र आत्मा दिया है। आज उस आत्मा के द्वारा आज हम पहचानते हैं उसके प्रेम को, आज उसके प्यार को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि दुनिया को बनाकर हमें यूं में दिया, उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दिया है, उसके बदले धन्यवाद दीजिए। उसने शुद्ध हवा दिया है जिससे आज हम सांस लेते हैं, जीवित हैं, उसने हमें आसमान से पानी देता है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। आसमान में दिन और रात करके बनाकर रोशनी देने के लिए सूरज और चांद को बनाया, इसलिए धन्यवाद दीजिए। अनेक प्रकार के उसने इस धरती पर पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, वनस्पतियां, अनेक प्रकार के अनाज को देता है। आज हमें कोई भी वस्तु की घटी नहीं होती है, आज हमारे हमारे दिल को जो चाहिए, हमारी जो इच्छा होती है, क्या वो चाहिए, वो परमेश्वर देता है, हमारी कल्पना से बाहर वो तैयार करके हर एक वस्तु का निर्माण करके रखा है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। आज उसकी पूरी सृष्टि आज उसकी महिमा गाती है, हर एक जीव जंतु प्राणी उसके प्यार का प्रतीक है, जो हमारे लिए पूरे मानव जाति के लिए दिया है बना करके, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, दिल मिल गए हम प्रभु की स्तुति गाए, दिल मिल गए हम प्रभु की स्तुति गाए, दिल मिल गए हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दीजिए उस महान पिता को जिसने हमसे अमर्याद प्यार किया, जिसने हमें अच्छा परिवार दिया, अच्छा नात रिश्तेदार दिया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे पड़ोसी दिए, अच्छा रहने के लिए मकान दिया, अच्छा आने जाने के लिए साधन दिया, और हम पर प्यार करने वाले चहेते नात रिश्तेदार दिए जो हमारे फिक्र करते हैं, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। हमें अच्छा नौकरी धंधा दिया, बिजनेस व्यापार दिया, आज उसने हमें अंधकार से बाहर निकाला है, उसके राज्य में लाया है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन कैसा अद्भुत अलौकिक बना दिया है, याद रखिए, याद कीजिए, जब आप यीशु मसीह के पास नहीं थे, जब अंधकार में खोए हुए थे, जब हम भटक रहे थे,
कितने लोगों ने गवाही दी कि हमारा जीवन में कोई हमारा जीवन का कोई कीमत नहीं, कोई चरवाहा नहीं, आत्महत्या का विचार आया था, अपना जीवन नाश करने के लिए कितने गलत गलत रास्ते पर जा करके कि अपने आत्मा का नाश कर दें, अपने मौत को गले लगाने के लिए रास्ते पर चल पड़े थे। कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, दुखों से भरा हुआ जीवन था, तकलीफ़ों से था और बीमारियों से अस्तग्रस्त हुआ था जीवन, लेकिन हमारी आवाज़ उस महान परमेश्वर ने सुनी, हमें उस मौत के आगोश से बचाया, हमें अनंत जीवन दिया, उसने हमें हमारी सहायता किया, हमारे दुखों को दूर किया, उसने हम पर अनुग्रह और दया किया, हमारे आंसुओं को पोंछ डाला, हमें स्वर्गीय आनंद दिया, एक हमराही बनकर जन्म देने वाला सच्चा खुदावंद बाप है, हमें तड़पने नहीं दिया, वो हमें स्वर्गीय शांति दे करके हमें वो आशीषित किया, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों धन्यवाद दीजिए, वो अंतःकरण दिल से धन्यवाद दीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, सचमुच तूने बचा लिया, सचमुच तूने हमें बचा लिया, तूने हमें आशीषित किया प्रभु, इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे जीवन के ऊपर उपकार किया है, तूने हमारे जीवन में ऐसा काम किया है प्रभु, हमारे सोच हमारी कल्पना से बाहर है, इसलिए प्रभु तुझे दिल से धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चली बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से सही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा, देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। प्रभु की सहायता से मैं सही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु के सामर्थ्य से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी, मेरे प्रभु के सामर्थ्य से नाश होवेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा, मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी, मेरे घर और मेरे सब लोगों पर मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी, मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
देखिए उस महान अद्भुत परमेश्वर का काम जो हमारे जीवन में उसने किया, अमर्याद प्यार किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसका प्यार अद्भुत है। जब हम दुख में तकलीफ में हो जाते हैं, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमारे अंग के दर्द को निकालने वाला और कोई नहीं रहता है। पास में जो खड़े रहते हैं, हमारे चहेते, हमारे रिश्तेदार, वो निकाल नहीं सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु यीशु को पुकारते हैं, प्रभु मेरी दर्द और वेदना को बाहर निकाल, अद्भुत तरीके से हमारे दिल में प्रवेश करता है, हमारे शरीर के भीतर के सारे दर्द और वेदना को बाहर निकाल देता है, अद्भुत तरीके से हमें शांति देता है। वो महान परमेश्वर है, वो हमारी हिफाजत करने वाला प्रेमी पिता है, इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। उसकी उसका प्यार, उसकी करुणा सदैव से सदा से बनी रही, मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन मनुष्य ने अपनी मनमानी करके, अपनी इच्छा के अनुसार चल के परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ, उसके इच्छा को तोड़ दिया और उसके आज्ञा को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद पाप शुरू हुआ, और पाप के कारण उसकी महिमा से इंसान रहित होने लगा। इसलिए उसके जीवन में दुख आए, दर्द आए, तकलीफ, बीमारी, संकट, क्लेश, कर्ज, नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई और उसके जीवन में अशांति बन गया। शांति देने वाला कोई नहीं, आत्महत्या का विचार आने लगा, अपने मौत को गले लगाने के लिए, के दर्द से बाहर छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का विचार आने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। लेकिन सारे पाप मन मानव जाति ने किया और उसे बचाने के लिए कोई नहीं। वो अथाह उस महासागर में जो अग्नि का कुंड है उसकी तरफ बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन उस महान परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। आज उसी के कारण आज हमारे जीवन का उद्धार हुआ, आज उसी के कारण आज हम छुटकारे में हुए। लेकिन एक बार उसके दुखों के पास आते हैं, उसके कष्ट, उसके दर्द, उसके वेदना कैसे हमारे लिए अपने ऊपर लिया, एक बार क्रूस के पास आकर देखिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा ध्यान उसके क्रूस के पास लाइए, देखिए उस क्रूस के ऊपर किस तरीके से उस महान पवित्र प्रभु हमारे लिए अपना शरीर दिया। हमने पूरे शरीर के अंग से पाप किया और सजा उसको हुई। देखिए जब हम अपने सांसारिक कानून में देखते हैं, कोई अगर एक व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है, हत्या करता है, उसको मौत की सजा सुनाती है। और याद कीजिए कि अपने पूरे शरीर का पाप, हाथ, पैर, आँख, कान, मुंह, दिल और अपने दिमाग, जो प्रत्येक अंग से हमने जो पाप किया उसकी सारी सजा हमारे सहने से हमारे ज़्यादा थी। इसलिए कि हम उसको सहन नहीं कर पाते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह ले ली। उसको अपमानित किया गया, उसका निंदा किया गया, वो हमारे लिए घायल हुआ, निःवस्त्र किया गया, उसके शरीर पे चाबुक के फटके मारे गए, और 39 चाबुक के फटके जहाँ जहाँ पर उसके शरीर पे गिरते थे, मांस और लहू बाहर आ जाता था, सर से लेके पैर के नाखून के बीच लहूलुहान और लथपथ था। देखिए वो नहीं आता तो हम नहीं बच पाते, वो नहीं आता हम नहीं छूट पाते, उसके बहते हुए लहू को देखिए। हमारे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भैला कुर्बान। हमारे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खाती
कुर्बान पाप रहे हमनी के सजा बैली तोहा के चढ़ गैला क्रूस पे मुक्ति दिला हम के पाप रहे हमनी के सजा बैली तोहा के चढ़ गैला क्रूस पे मुक्ति दिला हम के हमारे गुनाह खातिर दिहला तू जान मोरे मुक्ति खाती कुर्बान ग्रहण कैला प्याला अपार विपतिया के चुए लागल खूनवा बन के पसीना ग्रहण कैला प्याला अपार विपतिया के चुए लागल खूनवा बन के पसीना हमारे गुनाह खातिर दिहला तू जान मोरे मुक्ति खाती कुर्बान मोरे पाप खाती कैला चाबुक के मार उठावेला तू मोरे खाती क्रूसवा के भार मोरे पाप खाती कैला चाबुक के मार उठावेला तू मोरे खाती क्रूसवा के भार हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान मोरे मुक्ति खाती भैला कुर्बान हमरे गुनाह खाती दिहला तू जान मोरे मुक्ति खाती भैला कुर्बान मोरे मुक्ति खाती भैला कुर्बान मोरे मुक्ति खाती भैला कुर्बान हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों देखिए उस महान परमेश्वर का बलिदान जो उसने हमारे लिए अपने शरीर का बूंद बूंद करके अपना लहू बहाया हमारे जान को बचाने के लिए अपना जान कुर्बान किया वो कितना अद्भुत परमेश्वर है कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा हमारे पापों को दूर किया हमारे बीमारियों को दूर किया ताकि हम स्वच्छ बनकर शुद्ध बनकर उसके स्वर्ग में प्रवेश करें इसलिए तो हमारी जगह ले ली वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमें बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को दुष्ट के हाथ में सौंप दिया हर एक कष्ट को उठाया दर्द और वेदना को उठाया जिसने हमारे जीवन को बदल दिया जिसने हमारे आंसुओं को पोछा जिसने हमारे दिल में स्वर्गीय सुकून दिया धन्यवाद प्रभु ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे जिसको संभव है वो घुटने पे आ जाइए क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वही आदि और अंत है वही अल्फा और ओमेगा है
पुनरुत्थान और जीवन वही है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी, पृथ्वी उसकी महिमा गाते, आसमान सिर झुकाकर उसका चरण चूमता है। वो महान प्रतापी परमेश्वर है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी उपासना करें। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, सोना चांदी मैं तो ना मांगूं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा चरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा जरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे, पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान परमेश्वर ने किस तरीके से हर एक दर्द कष्ट वेदना संकट पीड़ा को उठाते हुए मार खाते हुए अपने कंधों पर क्रूस का भार रख कर चलते हुए गिरते पड़ते कंकरीली भूमि पर कांटों भरे राह पर चलता गया, कोड़ों की मार खाता गया और कलवरी पहाड़ पर चढ़ा, दो चोरों के बीच में उसे टांग दिया गया। लेकिन वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र
जो परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर, प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश, उसके ऊपर मौत अपनी सत्ता चला न सकी। मौत को हरा कर वो मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। अद्भुत गौरव के साथ प्रकट होकर के बाहर आया। 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहा। उसका अमर्याद प्यार कि उसका अनोखा प्यार जब मृतकों में से जिया, उसके बाद भी 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहा। उसने स्वर्ग में जाने से पहले उसने वादा किया, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पिता से विनती करूंगा और तुम्हें वो एक और सहायक देगा, दूसरा सहायक यानी पवित्र आत्मा। हमें दूसरे सहायक की जरूरत है। हमारे लिए उसने कहाँ वादा किया, इसलिए अपने हाथ को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाइए। दूसरे सहायक यानी अर्थात पवित्र आत्मा को अपने दिल में बुलाइए। जब उसके चेले पेंटेकोस्त के दिन आराधना उसकी उपासना कर रहे थे दुनिया के डर और भय से, तो आसमान से अद्भुत हवा की सनसनाहट चली। जहाँ पर बैठे हुए थे उस जगह पर ऐसी आवाज़ हुआ, पूरा हवा से वो जगह गूंज गया और फटती हुई जीव प्रचंड अग्नि के रूप में आसमान से उतरा और हर एक के ऊपर ठहर गया। वही पवित्र आत्मा आज भी उतरने के लिए उत्सुक है। बुलाइए आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ। हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। भर दे तेरे सामर्थ से, भर दे तेरे प्रेम से। आ पवित्र आत्मा, आ रहा है पवित्र आत्मा, आ रहा है पवित्र आत्मा। भर दे प्रभु तेरे आत्मा से, भर दे तेरे आत्मा से। हर एक भाई बहन को स्पर्श कर, भर दे प्रभु तेरे सामर्थ से। प्रभु छूले प्रभु, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे,
मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 और 17। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 और 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, उसने अपने चेलों को बताया था कि मैं पिता से विनती करूँगा, मैं परमेश्वर पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे देखते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा देने का एक बहुत बड़ा महान अभिवचन दिया था। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहा है कि मैं परमेश्वर पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे सहायक की यहाँ पर बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पहला सहायक था जो अपने चेलों के साथ रहता था। प्रभु यीशु रात और दिन अपने चेलों के साथ था और जब तक वो उनके साथ था तब तक उनको किसी दूसरे सहायक की ज़रूरत नहीं थी। पर ये वचन प्रभु ने चेलों को तब बताया जब प्रभु का दुनिया का छोड़ने का समय नज़दीक आ चुका था। प्रभु यीशु इस संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर पिता ने उसे एक मकसद से धरती पर भेजा था और ये मकसद ये था कि मनुष्यों के पापों का सारा दंड प्रभु अपने ऊपर उठाए और मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रभु क्रूस पर बलिदान करे, ताकि उसके लहू के द्वारा क्रूस पर उसने बहाए हुए उसके अनमोल और पवित्र लहू के द्वारा हर पापी आत्मा धर्मी बन जाए, हर पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाए और पापी मनुष्य के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए। इस एक मकसद से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा था। प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा इस बात को साबित किया था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था।
मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए मैं मुक्तिदाता बनकर धरती पर आ गया हूँ। इस बात को साबित करने के लिए प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह दिखाए, बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाए और अभी उसका समय खत्म हो रहा था। जिस योजना से परमेश्वर पिता ने उसको धरती पर भेजा था, उस योजना को पूरा करने का समय आ चुका था। प्रभु जानता था कि अभी मेरा समय खत्म हो रहा है, अभी मुझे मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर मरना है, मेरा बलिदान में होने वाला है, मैं अभी मरने जा रहा हूँ। इस बात को प्रभु जानता था और प्रभु जब तक अपने चेलों के साथ था तब तक उन्हें और किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अभी प्रभु का समय खत्म हो रहा था और इसीलिए प्रभु यीशु ने दूसरे सहायक की बात की। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ हमेशा सदा के लिए रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। प्रभु यीशु ने अपने मरने से कुछ दिन पहले ये बात चेलों को बताई। उसके कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु को पकड़ा गया, उसका छल किया गया, वो क्रूस पर मर गया। परमेश्वर पिता की महान योजना को उसने पूरा कर दिया कि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया और बलिदान होकर जब वो क्रूस पर मर गया उसके तीसरे दिन बाद वो जीवित हो उठा, क्योंकि वो परमेश्वर था, इसीलिए उसे हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के अंदर रहना संभव नहीं था। वो तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देकर उसने साबित कर दिया कि मैं वापस जिंदा हो गया हूँ। आपने मुझे मरे हुए देखा था, पर अभी मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा हो गया हूँ। ये प्रभु ने 40 दिन तक उनको दर्शन देकर, उनके साथ बातें करके साबित कर दिया और 40वें दिन चेलों की आँखों के सामने वो ऊपर आसमान में चला गया, क्योंकि जब प्रभु धरती पर जीवित था तब उसने कई बार चेलों को बताया था कि वो स्वर्ग से आया है, वो पिता की ओर से आया है और उसको पिता के पास वापस जाना है। 40वें दिन चेलों ने देखा कि प्रभु कैसे ऊपर 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 आसमान में जा रहा है और उनकी आँखों के सामने उन्होंने देखा कि प्रभु आसमान में चला गया। चेलों ने कुछ समय के लिए अपने आप को अनाथ महसूस किया, अकेला महसूस किया, क्योंकि प्रभु उनको छोड़कर चला गया था। पर प्रभु ने उनसे वादा किया था कि तुम्हें और एक सहायक मैं दे दूंगा। प्रभु क्रूस पर मरने के बाद वो जिंदा हो गया, उसने चेलों को दर्शन दिया, 40वें दिन वो स्वर्ग में चला गया। कुछ दिनों के लिए चेलों ने अकेलापन महसूस किया और इन दिनों में चेले एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। प्रभु को जैसे लोगों ने मार दिया वैसे वे हमें भी मार देंगे, इस डर के कारण वे बाहर घूमना या बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, वे कमरे में बंद होकर प्रार्थना किया करते थे। और 50वां दिन आ गया, जिसे बाइबल में पेंटेकॉस्ट का दिन कहा गया है। उस 50वें दिन जब चेले उस घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे तब अचानक जोर से हवा बहने लगी, भूमि कंप हो गया, जिस घर में वे बैठे थे वो पूरा घर हिल गया और आसमान से परमेश्वर पिता ने दूसरा सहायक इनके लिए भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा। ये पूरा घर हवा से भर गया और जितने उस घर में इकट्ठे होकर एक दिल से प्रार्थना कर रहे थे सब उस घड़ी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जब तक धरती पर था वो अपने चेलों के साथ था। हर दिन चेले एक विजयशाली जीवन देख रहे थे, क्योंकि प्रभु के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे, प्रभु के द्वारा अनगिनत चिन्ह और चमत्कार होते थे और उन्हें किसी बात का डर नहीं था क्योंकि प्रभु उनके साथ था। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, कितनी भी बड़ी रुकावट आए, कितने भी बड़े विरोधी सामने आ जाए तो भी प्रभु के सामने कुछ भी टिकता नहीं था, हर रुकावट निकल जाती
जाती थी, हर परेशानी खत्म हो जाती थी और हर विरोधी भी लज्जित और फजित होकर निकल जाते थे। जब तक प्रभु उनके साथ था उनके दिल में बड़ा साहस था, जब तक प्रभु उनके साथ था उनके दिल में बड़ी हिम्मत थी, बड़ी खुशी और शांति थी। पर अभी प्रभु छोड़कर निकल गया, वे अकेलापन महसूस कर रहे थे, दिल में बहुत डर भी आ चुका था, उनका विश्वास भी कई पैमाने में हिल रहा था। और प्रभु ये सारी बात को पहले ही जानता था और प्रभु को मालूम था कि मेरे जाने के बाद उन्हें दूसरे सहायक की ज़रूरत है। और इसीलिए प्रभु ने उनसे कहा कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह यानी परमेश्वर पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा जो हमेशा हमेशा के लिए सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पेंटेकोस्ट के दिन 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और उस दिन वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और तब से लेकर पवित्र आत्मा ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। ये दूसरा सहायक हमेशा उनके साथ रहा क्योंकि प्रभु ने कहा था वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु जो इंसान के रूप में धरती पर आया था वो तो सदा सर्वदा धरती पर नहीं रह सकता था, वो एक योजना से आया था, एक मकसद से आया था, एक उद्देश्य से आया था, उसी उद्देश्य और मकसद को पूरा करके उसको वापस जाना था। इंसान के रूप में आए हुए प्रभु यीशु को धरती पर हमेशा के लिए रहना संभव नहीं था, पर जो पवित्र आत्मा उसने भेजा है अर्थात परमेश्वर का आत्मा, वो यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ हमेशा रहता है। 50वें दिन जब चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आ गया, चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तब उनके दिल में बड़ी खुशी आ गई, बड़ी शांति आ गई, जैसे वे प्रभु यीशु के साथ थे। और उस समय उनके दिल में जो साहस, जो हिम्मत, जो खुशी थी, वैसी ही खुशी, वही हिम्मत, वैसे ही साहस जब उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया तब उनको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दुनिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था जब परमेश्वर ने पहली बार धरती पर इतने बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा को भेज दिया था। और तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर दुनिया में काम कर रहा है, पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। परमेश्वर पिता स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसके दहिने हाथ पर हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग में है, धरती पर जो काम कर रहा है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा ये सत्य का आत्मा है, और यीशु के शब्द में वो हमारा सहायक है, यानी वो हमारी मदद करता है, वो हमारी आत्मा की दिन रात सहायता करता है। इसीलिए उसे सहायता करने वाला कहाँ है, वो हमारा सहायता करने वाला आत्मा है, हमारी मदद करने वाला आत्मा है। जब किसी मनुष्य को पवित्र आत्मा मिल जाता है इसका मतलब ये है कि जीवित परमेश्वर आत्मा के रूप में उसके अंदर आ जाता है, जीवित परमेश्वर आत्मा के रूप में उसके अंदर वस्ती कर जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने उस पर विश्वास करने वाले हर एक मनुष्य के लिए ये दूसरा सहायक भेजा है। परमेश्वर पिता ऐसे हर मनुष्य को ये दूसरा सहायक देता है यानी पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं उसके दूसरे ही पल में हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु पर विश्वास करने के बाद कुछ समय तक हमको धरती पर रहना पड़ता है, चाहे 10 साल हो या 25 साल हो, पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, दूसरे ही पल में हमारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है, बल्कि कुछ समय हमको धरती पर रहना पड़ता है। और इस दिनों में, इस समय में धरती पर अपनी ताकत से एक आत्मिक जीवन जीना संभव बात नहीं है। हम जब पाप में थे, अंधकार में थे, तब हम शारीरिक जीवन जी रहे थे, भौतिक जीवन जी रहे थे, पर जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया अभी हम आत्मिक लोग बन चुके हैं। और ये आत्मिक जीवन अपनी शारीरिक ताकत से हम नहीं जी सकते हैं, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु के चेले जिन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और जो रात और दिन यीशु के पीछे हो लिए थे, प्रभु जब तक उनके साथ था तब तक उन्हें पवित्र आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि प्रभु खुद उनके साथ था। पर अभी प्रभु खुद नहीं रहेगा, वो शरीर रूप में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था, उसका मकसद पूरा करके वो वापस जा रहा है। तो वो जाने के बाद चेलों का विश्वास में हमेशा रहना संभव नहीं था, उनको एक दूसरे सहायक की ज़रूरत थी, इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया और ये पवित्र आत्मा आज भी धरती पर काम कर रहा है, उन लोगों के बीच में काम कर रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में अपने दिल में ग्रहण किया है। उन सबों को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा देता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है ताकि पवित्र आत्मा की मदद से वे एक आत्मिक जीवन जी सके, पवित्र आत्मा की मदद से वे सच्चाई के रास्ते से चल सके, पवित्र आत्मा की मदद से वे ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, पवित्र आत्मा की मदद से वे सही रास्ते से चल सके, पवित्र आत्मा की मदद से वे पापों का त्याग कर सके और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा दुनिया में प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा ये हमारा सहायक है, वो हमारे दिल में रहता है, वो हमें सच्चाई को बताता है, सत्य को बताता है, वो हमें सत्य के रास्ते से चलने के लिए हमें मदद करता है, सच्चाई को वो हमारे सामने रखता है। प्रभु यीशु ने ऐसा भी अपने चेलों को कहा था कि मुझे अभी तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है पर ये सारी बातें अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमें परमेश्वर का ज्ञान देता है, वो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के दिल की क्या इच्छा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारी ओर से क्या चाहता है, वो पवित्र आत्मा हर दिन हमें बताता है, हर पल हमें बताता है। जबकि हम संसार में थे, अंधकार में थे, शैतान की इच्छा के अनुसार चलते थे, दुष्ट आत्माएं और अंधकार की शक्ति हमें चलाती थी, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं और हम चाहते हैं कि अब से एक आत्मिक जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, तब हमें परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा दिया जाता है जो हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, हमारी मदद करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना ही चाहिए, हमारे पास पवित्र आत्मा होना ही चाहिए। बिना पवित्र आत्मा कोई भी मनुष्य विश्वास का सफर नहीं कर सकता है, बिना पवित्र आत्मा कोई भी मनुष्य एक आत्मिक जीवन नहीं जी सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के पास दिमाग है, लोग अपने दिमाग से चलते हैं और पूरी दुनिया दिमाग से चल रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिमाग के बारे में, बुद्धि के बारे में बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी जो बुद्धि है ये पतित है, हमारी बुद्धि पापी है, इसलिए बुद्धि हमें हमेशा गलत बातें करने के लिए मजबूर करती है, बुद्धि हमें गलत बातें करने के लिए कहती है। दुनिया कहती है यदि आपके पास दिमाग है तो आपके लिए काफ़ी है, आप अपने दिमाग से सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और आप एक आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो दिमाग आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा होना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिमाग से चलने वाले कभी भी अपने पापों के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं, दिमाग से चलने वाले कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, दिमाग से चलने वाले कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि, ये दिमाग हमारे शरीर का भाग हो गया है और ये दिमाग जो है वो पापी है, बुद्धि पापी है, तो बुद्धि हमें गलत काम करने के लिए कहती है, परमेश्वर
की इच्छा के खिलाफ जीवन जीने के लिए कहती है। इसीलिए हमारे पास बुद्धि होना या दिमाग होना काफ़ी नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा होना ज़रूरी बात है। हम पत्रस के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु का प्रमुख चेला जो एक अनपढ़ मनुष्य था, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो मछुआरा था। एक अनपढ़ मनुष्य, मछुआरा, जो हमेशा एक ही काम जानता था कि समुन्द्र में जाकर मछली को पकड़ना, बाजार में जाकर उसके बेच देना और इस पर अपना परिवार चलाना। जिसने अपनी जिंदगी में कई साल तक वही काम किया था, वो जब प्रभु यीशु का चेला बन गया, वो मनुष्य बदल गया। प्रभु ने उसे पहले ही कहा था, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तू मछली पकड़ रहा है, पर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तू मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगा। प्रभु यीशु ने उसे बदल दिया। ये मनुष्य जो मछुआरा था और जो मछली पकड़कर बाजार में बेचकर आए हुए पैसे से अपना परिवार चलाता था, ये मनुष्य एक आत्मिक मनुष्य बन गया। ये मनुष्य स्वर्गीय सामर्थ्य से भर गया, स्वर्गीय ज्ञान से भर गया। और पत्रस ने बाइबल में दो पत्री लिखी है, एक अनपढ़ मनुष्य ने दो पत्री लिखी है, और उस पत्री के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग, पंडित लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उन पत्रों के ऊपर पढ़ाई करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि पत्रस ने कितना बड़ा ज्ञान उसमें दिया है। पर पत्रस था कौन? एक अनपढ़ मछुआरा था। वो कैसा बदल गया? अपने दिमाग से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो आपको ये विश्वास का सफर करने के लिए पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है। आपको चलाने वाला दिमाग नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। यदि आप दिमाग से चल रहे हैं, तो आपका विश्वास का सफर नहीं कर सकते हैं। कितने लोग पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त करते हैं या पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी अपना दिमाग हर जगह लगाते हैं और दिमाग के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों को शैतान फंसाता है और वे दोबारा अंधकार में चले जाते हैं। ये विश्वास का सफर करने के लिए दिमाग काम का नहीं है, ये विश्वास का सफर करने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक देगा, और एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर बोलते रहता है, हमें बताते रहता है। क्या बोलता है? वो आत्मिक बातें बताता है, वो परमेश्वर की बातें बताता है, वो सच्चाई को हमारे सामने रखता है, वो हमें जीवन की बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद और उसके अनुसार चलने के बाद हमारा भला होता है, नुकसान कभी नहीं होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे दिल में एक तरस होना ज़रूरी बात है। कितने सारे लोग एक बार तो पवित्र आत्मा को पाते हैं, पर बाद में वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, वे अपने दिमाग के अनुसार चलते हैं और दिमाग के अनुसार चलने के कारण वे पवित्र आत्मा को नाराज कर देते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें अंदर से बताता है, उनके साथ बोलते रहता है, पर वे पवित्र आत्मा की आवाज़ को दबाते रहते हैं और जैसा उनका दिमाग उनको कहता है, उस तरीके से वे चलते हैं। फिर पवित्र आत्मा नाराज हो जाता है और बार बार ऐसा करने के कारण जो पवित्र आत्मा का अग्नि उनके अंदर होता है, वो कम होते जाता है और आखिर ऐसा समय होता है कि पवित्र आत्मा का अग्नि पूरी तरह से उनमें से बुझ जाता है। ये भयानक हालत है। यदि किसी मनुष्य के अंदर से पवित्र आत्मा का अग्नि बुझ गया, तो ये मनुष्य एक आत्मा की भयानक हालत में पहुंच चुका है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था कि जो कोई परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं, वो उन्हें क्यों कर पवित्र आत्मा न देगा।
उसने ये नहीं कहा जो परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं वो उन्हें खाना क्यों नहीं देगा, कपड़ा क्यों नहीं देगा, नौकरी क्यों नहीं देगा, जमीन क्यों नहीं देगा, मकान क्यों नहीं देगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें प्रभु ने नहीं बताई। प्रभु ने ऐसा कहा जो परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं वह उन्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसका मतलब परमेश्वर पिता चाहता है आप पवित्र आत्मा मांगो उसके पास। पवित्र आत्मा ये सबसे मौल्यवान चीज है आपके लिए। आप क्या चाहते हैं? आप पैसा चाहते हैं? आप अच्छी नौकरी चाहते हैं? आप बड़ा मकान चाहते हैं? आप गाड़ी चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी बातों के लिए मत तरसो। ये भौतिक चीज़ें हैं, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, इनसे हमारी आत्मा का कुछ भला होने वाला नहीं है। एक बात के लिए हमेशा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मिलने के लिए। परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा देने के लिए उत्सुक है। परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए उत्सुक है। वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए और आप एक आत्मिक व्यक्ति बने। वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा आपको चलाए, क्योंकि जब तक आपको आपका दिमाग चलाएगा, जब तक आपको आपकी बुद्धि चलाएगी, तब तक आप अपने जीवन के द्वारा कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे दिल को बदल देता है। हम पहले जब प्रभु में नहीं थे तब हमारा स्वभाव बहुत बुरा होता है, पर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिल को बदल देता है। पहला हमारा दिल बहुत कठिन था, कड़क था। पवित्र आत्मा हमारे दिल को सौम्य बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, कोमल बना देता है। पवित्र आत्मा हमारे दिल से बुरी बातों को निकाल देता है और एक अच्छा, प्यार से भरा हुआ, नम्रता से भरा हुआ, शांत ऐसा दिल पवित्र आत्मा हमें देता है। पवित्र आत्मा अंदर से हमें बहुत ताकत देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को स्वर्ग की रोशनी से भर देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनका ध्यान और पैसा प्राप्त करने के ऊपर है। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु यीशु बोलते हैं, रात और दिन प्रार्थना करते हैं और मांगते क्या है? मुझे नौकरी चाहिए, मुझे और ज़्यादा पगार मिलना चाहिए, मुझे और ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में लोग सोचते नहीं और उसे पाने के लिए तरसते नहीं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ध्यान में रखो, जिसके पास पवित्र आत्मा है वह दुनिया की सबसे बड़ी अमीर व्यक्ति है। यदि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो तो आप दुनिया की अमीर व्यक्ति हो, आप दुनिया की धनवान व्यक्ति हो। जितने बड़े पैमाने में आपके अंदर पवित्र आत्मा है उतने आप ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है तो आपका आत्मिक जीवन एक संपन्न जीवन है। यदि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है तो आपका आत्मिक जीवन एक वैभव से, स्वर्गीय अनुग्रह से और शांति से भरा हुआ जीवन है, जो दुनिया के पैसे वाले लोगों को भी नहीं मिल जाता है। लोग कहते हैं आपके पास इतना ज़्यादा सोना है तो आप अमीर है, आपके पास इतनी ज़मीन है तो आप अमीर है, आपके पास इतनी गाड़ियाँ है तो आप अमीर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की नज़र में इन बातों की अमीरता कुछ काम की नहीं है। परमेश्वर ऐसी बातों को अमीर नहीं समझता है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं तो आप अमीर व्यक्ति है। इसीलिए हम बाइबल की बहुत खूबसूरत घटना को पढ़ते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिलने के कुछ ही दिनों के बाद पत्रस और यूहन्ना, प्रभु यीशु के दो प्रमुख चेले, मंदिर में जा रहे थे। तब क्या हुआ था? मंदिर के दरवाजे पे एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था, जिसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, ये जन्म का लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। लोग उसे हर दिन मंदिर के दरवाजे पे लाकर बिठा देते थे ताकि मंदिर में आना जाना करने वाले लोगों के पास ये भीख मांग सके। हर दिन उसका यही काम चल रहा था, लोग उसको उठाकर लाते थे क्योंकि ये जन्म का लंगड़ा था, कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। और लोग जो मंदिर में आना जाना करते थे
उनके पास भीख मांगना और जो भी मिलता है उससे अपना गुजारा करना, यही वो जानता था। वो दिन आ चुका जब पत्रस और यूहन्ना पवित्र आत्मा मिलने के बाद मंदिर में जा रहे थे और ये भिखारी ने उसके हमेशा की आदत की तरह इनके पास भी भीख मांगी। जब भिखारी ने अपने हाथों को फैलाया तभी पत्रस का पहला वाक्य था, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। और जब पत्रस ने कहा हमारी ओर देख, तभी भिखारी ने इस उम्मीद से देखा शायद ये कुछ तो आज बड़ा देने जा रहे हैं, लोग मुझे हर दिन एक रुपया दो रुपया देते हैं, आज ये कुछ तो ज़्यादा देने जा रहे होंगे, इसीलिए बोल रहे हमारी ओर देख। इसने बड़ी उम्मीद से देखा कि आज पैसा मिल जाएगा या कपड़ा मिल जाएगा। पर जब भिखारी ने पत्रस की ओर देखा तभी पत्रस ने कहा, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे दे रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और पत्रस ने उसका हाथ देखकर उसको उठाया और बाइबल कहती है कि जैसे ही पत्रस ने ये बोलकर उसे हाथ दिया, तुरंत उसके पाँव में और उसके टखनों में बल आ गया, ये कूदकर खड़ा हो गया और कूद कर चलने फिरने लगा, मंदिर में गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा और सब लोग देखकर अचंभित हो गए कि इसको तो हम हर दिन देखते थे, ये जन्म का लंगड़ा था, हर दिन यहाँ पे बैठा रहता था, ये कैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस ने उससे कहा था, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे दे रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोना चांदी क्या काम का है? जिनके पास दुनिया भर का सोना चांदी है वे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। जिनके पास बहुत सोना चांदी पड़ी है वो एक लंगड़े भिखारी को नहीं उठा सकते हैं, ना अपने आप को भी बचा सकते हैं। सोना चांदी, जमीन जायदाद, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ काम का नहीं है यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति है, यदि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है और यदि आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, यदि आपका जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का ज्ञान आपके अंदर है और पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा को रोशनी से भर दिया है, तो आप दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए तैयार है, आज भी वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, वो चाहता है कि हमारे जीवन का पूरा कब्जा पवित्र आत्मा के हाथ में जाए, ताकि हम पाप ना करें, ताकि हम गलत काम ना करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो जाए, ताकि हमारे जीवन में शैतान हार जाए और परमेश्वर विजयी हो जाए, ताकि हमारे जीवन में हर काम हर बात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाए और हम पापों से बचकर अपने आप को पवित्र बनाए, हम प्यार परमेश्वर का प्यार दुनिया को बांटते रहे, परमेश्वर की दया दुनिया को बांटते रहे और हमारे द्वारा दुनिया में परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी पवित्र आत्मा दुनिया में काम कर रहा है, बड़े पैमाने में काम कर रहा है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है, मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि यदि मैं नहीं गया तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है, यदि मैं न गया तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वो सहायक नहीं आएगा। जब प्रभु यीशु धरती पर था वो शरीर रूप में था, उसे इतनी सारी सीमाएं थी कि वो एक दिन, एक घड़ी, एक पल एक ही गांव में या एक ही नगर में रह सकता था, पर अभी उसे कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अभी वो शरीर रूप में नहीं आत्मा के रूप में है। तो एक घड़ी एक पल दुनिया के हर कोने में वो काम कर सकता है, हर व्यक्ति के जीवन में वो काम कर सकता है, क्योंकि अभी वो शरीर रूप में नहीं है, आत्मा के रूप में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हर दिन प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, प्रभु से कहो कि हे प्रभु, मुझे दुनिया का वैभव नहीं चाहिए, मैं दुनिया का सोना चांदी पैसा नहीं चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा रोशनी से भर जाए, मेरे अंदर तेरा सामर्थ्य आ जाए, मेरे अंदर तेरा ज्ञान आ
आ जाए और मेरा दिल पूरी तरह से बदल जाए, जैसा तेरा दिल है वैसा मेरा दिल बन जाए। मैं इस धरती पर एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ और मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो जाए, ये मेरी इच्छा है। आप प्रार्थना करो, मांगो पवित्र आत्मा, पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं, दुनिया भर की चीजें नहीं, पवित्र आत्मा मांगो, रोकर मांगो। आप पवित्र आत्मा मांगेंगे, पवित्र परमेश्वर पिता आपसे खुश हो जाएगा और वो आपको बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा से भर देगा। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, आप देखते जाओगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आप बाहर से नहीं, अंदर से बदल रहे हो। बाहर आप काले होंगे, काले ही रह जाओगे, पर अंदर आपका सब कुछ बदलते जाएगा। आपका कठिन दिल एक सौम्य और कोमल दिल बन जाएगा। आपके दिल में बड़ा प्यार आ जाएगा, दूसरों के लिए दया तरस आ जाएगी, आपके अंदर एक बड़ा सामर्थ्य आ जाएगा। दुनिया जिस बात से डरती है आप उसे डरोगे नहीं, दुनिया जिस बात से नफरत करती है आप उसे नफरत नहीं करोगे, और दुनिया जिस बात को गले लगाती है उसको आप ठुकरा दोगे, क्योंकि दुनिया गंदी बातों को गले लगाती है, आप उसे ठुकरा दोगे यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा आपको अंदर से पूरी तरह से बदल देगा, पूरी तरह से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पत्रस एक अनपढ़ मछुआरा था, पर उसने दो पत्र लिखी है, दो खत लिखे हैं, और उस खत को गए 2000 साल से लोग पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक अनपढ़ मछुआरे ने लिखी हुए दो खत के ऊपर 2000 साल से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ये परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है, वो आपको बदलेगा, वो आपके जीवन में पूरी तरह से बदल लाएगा। आप रोशनी से भर जाओगे, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाओगे, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाओगे, आपका दिल पवित्र आत्मा बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप में से इस प्रवचन को, इस वचन को सुनने वाले ऐसे जो भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आपको पवित्र आत्मा को पाने के लिए पहले यीशु पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान किया है और उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब तक हमें पापों की क्षमा न मिले तब तक वो सहायक आत्मा, सत्य का आत्मा हमारे अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करता है जो गंदगी से भरा हुआ है। परमेश्वर ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करता है जहां हर प्रकार की गंदगी है, जहां बदबू आती है। पाप की वजह से हमारी आत्मा गंदी बन जाती है। पाप की वजह से बाहर से हम कितने भी साफ सुथरे दिखते होंगे, पर अंदर से हमारी आत्मा को बदबू आ जाती है। पहले आपको यीशु मसीह के लहू में पापों की क्षमा मिलनी चाहिए। आपकी आत्मा प्रभु यीशु के लहू में साफ होनी चाहिए। जब आप अंदर से साफ हो जाओगे, आपका दिल साफ हो जाएगा, तब ही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करना पसंद करेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मकान में नहीं रहता है। हम परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बांधते हैं, बड़ा बड़ा मकान बांधते हैं, परमेश्वर उसमें नहीं रहता है। परमेश्वर को एक ही घर अच्छा लगता है, वो है इंसान का दिल। पर वो ऐसे दिल में रहता है जिसे पापों की क्षमा मिल चुकी है, जिसने यीशु मसीह के लहू में अपने आप को साफ कर दिया है, उसी घर के अंदर रहना वो पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने भी लिखा है कि हमारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करता है। पर पवित्र आत्मा को अंदर लेने के लिए पहले अपने आप को साफ करो। जब तक आप साफ नहीं हो जाएंगे, यानी आपको पापों की क्षमा नहीं मिल जाएगी, तब तक वो सत्य का आत्मा आपके अंदर आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करो, अपने पापों का दिल से पश्चाताप करो, दिल से माफी मांगो, सबों को क्षमा करो, अपने दिल को साफ करो और फिर उसके पास पवित्र आत्मा मांगो। जब आप दिल से आप पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाओगे, तब परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा से भर देगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद देखते जाओगे कि आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में आत्मिक बदलाव आ रहे हैं। जैसा पहले का आपका जीवन था वैसा भी नहीं रहा है, पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आप में ऐसे जो भाई बहन हैं, आप अपने दांत के ऊपर हाथ रखो, दांत के ऊपर, दांत, टीथ, दांत के ऊपर हाथ रखना है विश्वास के साथ। जिनको जिनको दांत को कोई भी परेशानी है या मसूड़ों में परेशानी है, दर्द होता है, सूजन है, पस पू आता है या खून आता है, दांत हिलते हैं, जो भी आपकी परेशानी है, क्योंकि अभी जवान जवान भाई बहनों को भी ये परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है, विश्वास के साथ मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जो दुष्टात्मा आपको सता रहा है आपको छोड़कर जाएगा और प्रभु उसके सामर्थ्य के द्वारा आपके दांतों को अच्छा कर देगा। विश्वास के साथ हाथ रखो, इस क्षण प्रभु का स्पर्श आपको हो जाए। जितने सारे लोगों को दांत की परेशानी है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, ये दुष्टात्मा आपको छोड़कर निकल जाए। जो आपके दांतों में परेशानी ला रही है, आपके मसूड़ों में परेशानी ला रही है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इन्हें छोड़कर निकल जाओ। टच टच, प्रभु यीशु के नाम से आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाए, सारी परेशानी निकल जाए, निकल जाए, आपके सारे दांत मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए। हर प्रकार की दांत की और मसूड़ों की बीमारी यीशु के नाम से इस क्षण से नष्ट हो जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे दांत में 3-4 साल से जब मैं ब्रश करती थी तो जैसे सूजन जैसा आ जाता था, और जब ब्रश करने के बाद कुछ खाती थी या मतलब मालिश ऐसे कर देती थी फिर बराबर हो जाता, कुछ खाना ज़रूर पड़ता था, कुछ खा के ऐसे पानी पी लेती थी फिर तो ठीक हो जाता था, ऐसे हमेशा चलता था। तो शुक्रवार के दिन सिस्टर विशेष प्रार्थना ली, जब गवाही ख़त्म हो गई विशेष प्रार्थना सिस्टर ली कि जिसके दांत में दर्द है, मतलब मैं प्रार्थना विशेष ले रही हूँ, तब मैं अपने मुँह पे ही हाथ रखी थी, तब से मेरे दांत का दर्द एकदम अच्छा हो गया। मतलब मैं 2-2, 3-3 बार ब्रश घर पे जाके करके चेक की, कुछ भी नहीं हुआ और मस्कुर भी नहीं फूला, अच्छा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गए 3-4 साल तक जब भी आप ब्रश करते थे उसके बाद ही मतलब सूजन आ जाता था, सूजन आ जाता था, ऐसे फूला लगता, जैसे लगता था ना अलग अलग लगता था, फूला सूजन सूजन जैसा दिखता था। लेकिन जैसे शुक्रवार के दिन से जब सिस्टर प्रार्थना की, मैं अपने मुंह पे ये हाथ रखे, एक बार बोली कैसे, उसके बाद आप घर जाने के बाद 2-3 बार ब्रश कर करके देखा लेकिन कुछ भी सूजन वगैरह नहीं, दर्द नहीं। हाँ, एक हफ्ता हो गया, मैं 2-2 बार 3-3 बार ब्रश करके देखी, अभी कुछ नहीं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और अगली क्या गवाही है? एक महीना के पहले ऐसे मैं थोड़ा सा इतना ऊंचा था, ऐसे चल रही थी रास्ते में, ब्रिज से ऐसे उतर रही थी, तो एक औरत थी मेरे हाथ पे चढ़ के मैं गिर गई, बस हड्डी खट दी, आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद में इतना दर्द, भयानक दर्द हुआ, उस दर्द को मैं बता नहीं सकती। कहाँ दर्द होने लगा आपको? इस पैर में इतना, तो पैर ही ऐसे खट दी, कैसा तो हो गया था इतना आवाज़, तो सब लोग बोल रहे हैं टूट गया हड्डी। आपका पैर मुड़ गया उस समय पे या कैसा हो गया? पैर मुड़ गया था एकदम, ऐसे करके मैं गिर गई, तो इतना ऊंचा जगह था, मैं गिर गई, पूरा ऐसा मुड़ गया था पैर, बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर सब लोग बोल रहे थे कि पैर टूट गया, तो मैं ऐसे बोली हमारा प्रभु टूटे हुए के जोड़ता है, टूटेगा नहीं। और तब हमारे पति ऐसे, बच्चे पति ऐसे आगे चल रहे थे, सब लोग बुलाए, मेरे मुंह से निकला यीशु, तो सब लोग यीशु यीशु करके बुलाने लगे। तो मतलब उन लोगों को लगा कि आपके पति को बुला रहे हैं? हाँ, उनको लगा कि इनके पति का नाम यीशु है, तब सब लोग बुलाने लगे, बुलाए तो सब लोग, मेरे पति आए, बच्चे आए, सब लोग ऐसे, मैं बोली कि टूटा रिक्शा था उधर, मैं बोली बहुत दर्द हो रहा था, उधर बैठा दिए लोग, बैठी थोड़ा सा मतलब 5-6 मिनट हम लोग वचन बोले, प्रार्थना किए, फिर घर पे गई। इतना मोटा मेरा पैर फूल गया था, बहुत दर्द हो रहा था, चलने को, उठने को, बैठने को कुछ भी नहीं हो रहा था। पैर का ये पौली फूल गया था कि कैसा? यही पैर, इतना मोटा फूल गया था पैर। तब फिर ऐसे दर्द हो रहा, तेल लगाती थी, आशीष तेल, प्रार्थना ऐसे करते, वचन बोलती थी, ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर
आज 2 हफ्ता के पहले सिस्टर सामर्थ्य दर्शन दिखा रही थी, थोड़ा थोड़ा दर्द था, तो मैं सोची मैं पीछे बैठूंगी नहीं तो कोई मेरे पैर पे गिर जाएगा, तो फिर एक तो मेरा पैर थोड़ा सा दर्द भी करता है और कोई गिर जाएगा तो और ज़्यादा दर्द करने लगेगा। मैं बैठी थी, एक बहन बोली चलो, मैं बोली नहीं, मेरे पैर पर कोई गिर जाएगा तो बहुत दर्द करेगा। फिर मैं आई बैठी थी और सच में ही एक बहन गिर गई मेरे पैर पर, और जब गिरी वो बहन पैर पर मेरे तब दर्द किया, तो फिर मतलब मैं उस दर्द को मतलब ध्यान में नहीं लगा, फिर जब घर पे गई तो वो भी दर्द मेरा निकल गया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे दिसंबर से मेरा दांत दर्द कर रहा था, हमेशा मेरा दांत दर्द करते रहता था। मैं शुरू में मैं दर्द की गोली भी लेती थी, लेकिन मुझे जब तक दवा की असर रहती थी तब तक मुझे आराम रहता था ऐसा, फिर मेरा दांत दर्द करने लगता था, उसकी वजह से अंदर सूजन भी आ गई थी और इधर सूज गया था, और ऐसा लगता था कि कोई उसको खींच के निकाल रहा है, दांत एकदम अच्छा है, उसको कीड़े भी नहीं खाए हैं, और खून भी आता था और ब्रश करने पर खून भी निकलता था, दर्द होता उस साइड से, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। जब भी 5 तारीख को शुक्रवार के दिन जब सिस्टर यहाँ पे प्रवचन दे रही थी तो मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा था, मैं एक बार ऐसा आँख बंद कर लेती थी, ऐसा मतलब पूरा ध्यान वचन पे नहीं लग रहा था, फिर भी मैं ज़बरदस्ती सुन रही थी। जब सिस्टर चंगाई की प्रार्थना लेने लगी तो मैं ऐसा मन में हो रहा था कि सिस्टर स्टेज पर से बोलती कि दांत दर्द निकल जाए तो मेरा दांत दर्द निकल जाता, ऐसा मन में हो रहा था। लेकिन जब गवाही खत्म हो गई तो सिस्टर ने विशेष दांत के दर्द के लिए बोले कि बहुत दिनों से दांत के दर्द का गवाही आ रहा है, तो मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ जिसके दांत में दर्द है वो हाथ रखे। मैंने दोनों अपने हाथ को दांत के ऊपर रखा और जब सिस्टर ने दिया यहाँ से दांत के दर्द निकल जाए, उस समय स्पर्श हो गया, मैं गिर गई और मुझे विश्वास था कि सिस्टर बोलेगी तो मेरा दांत दर्द निकल जाएगा, और उसी दिन से मेरा दांत अभी आज 8 दिन हो गए हैं, एक बार भी दर्द नहीं हुआ और ब्रश करने पर खून भी नहीं निकलता है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद। माझं 8 दिवस झाले दात दुखत होतात, गेल्या शुक्रवारी आलेली तेव्हा सिस्टरांनी सांगितलं दातावर हात ठेवा आणि मी ठेवलं आणि काल बरे झाली, तेव्हापासून बरं वाटलं। पण दात दुखायचं की तुमचं हिरड्या पण दुखायच्या, माझ्या हिरड्या दुखायचं, त्यामुळे तुम्हाला जेवताना वगैरे काही त्रास व्हायचा? त्रास व्हायचा, प्रेशर यायचं, कडक काय खाता नाही यायचं, मला कडक खाऊ शकत होते। पण गेल्या आठवड्यात जेव्हा सिस्टरने आज्ञा दिली दाताच्या, आता मी कालपासून एकदम मस्त आहे, दुखत नाही तेव्हापासून। नाही तेव्हा सर्वांनी मोठ्याने डाले वाजून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या। मेरा दांत बहुत दुख रहा था, दांत इतना दे न सही खड़ी हो गई थी एकदम, ऐसा दबाने से भी मालूम पड़ता था, फिर नस दुखती थी, दांत भी जोर से चमकता था बहुत, इधर से खाना भी ना 3 महीने से कुछ नहीं खाती थी। 3 महीने से? हाँ, बहुत दर्द करता था एकदम, मसगूर भी लाल हो गई थी एकदम, वो भी जब सिस्टर प्रार्थना दी उस दिन। 3 महीने से आपको इस भाग में दर्द होता था, ऐसा हाथ लगाने पे भी सूजन ऐसा खड़ी थी नस इधर जैसा, मतलब आपको ऐसा मालूम पड़ता कि वहाँ की नस तन गई है? हाँ, उसके लिए वो दांत भी चमकता था बहुत, खाना भी उधर से खाने को नहीं जरा भी होता, कितना भी नरम खाओ कुछ भी खाओ कुछ नहीं, खाली एक ही बाजू से खाती थी मैं। और जब भी गए सप्ताह में सिस्टर ने यहाँ पर दांत दर्द के लिए विशेष प्रार्थना की, तभी क्या हो गया? सिस्टर बोले हाथ रखो, जिसका दांत दर्द करता मैं ऐसा हाथ रखी, फिर तभी से दांत का दर्द निकल गया। तभी से दांत का दर्द निकल गया, अभी नस जो आपकी एकदम तनी हुई रहती थी वो भी नॉर्मल हो गई? अभी नहीं दुखता, दांत भी नहीं चमक रहा है, अभी यहाँ पे हाथ लगाने पे वगैरह कुछ भी दर्द नहीं, अच्छा नहीं मालूम नहीं पड़ता एकदम। प्रभु ने इनके ऊपर कृपा की है, इनको चंगाई दी, आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बता दें कि गए 5 साल से इनके दांतों से खून आता था, और खून ऐसा था खेली ऐसे हाथ मुंह में कुल्ला भी करते थे, दांत रगड़ते, उंगली अगर दांत पे रगड़ते भी तो खून आता था। इन्होंने बताया कि प्रभु से प्रार्थना करते रहे 5 साल लगातार, जब जब प्रार्थना में आते थे तब तब विनंती लिख के डालते थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो गए शुक्रवार को जब सिस्टर ने यहाँ पर मंच पर से दांतों के लिए विशेष प्रार्थना ली थी, उसके दौरान इन्होंने विश्वास से अपने मुँह पर हाथ रखा, रखने के बाद प्रभु यीशु की महान दया इनके ओर हो गई, और बता दें दूसरे दिन से ही इनकी वो दांतों की समस्या जो खून आना बंद हो गया है निकल गई है, प्रभु यीशु ने इनको चंगा कर दिया है। इसके अलावा इनको ऐसी समस्या हो गई थी, इनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, मतलब जोर से सांस नहीं ले पाते, जब जब इनको सांस लेना था तो सांस
खींचना पड़ता था, और खींचने पर अगर नहीं खींचते तो इनको ऐसा लगता कि इनका दम घुट जाएगा। ये समस्या 2-3 साल से चल रही थी, लेकिन बताते हैं कि आज जब ये प्रार्थना घर में आए तो भी इनको ये समस्या हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पर मंच पर से नहीं डरना नहीं डरना ये गाना जब गाना चल रहा था तो ये बताते कि ये विश्वास से वो गाना बोल रहे थे, और बोलने के दौरान प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई, प्रभु यीशु ने इनको चंगा कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप 5 साल से आपके दांत से खून आता था? 5 साल से आता था, मतलब जब जब आप उंगली रगड़े तो खून आता था? खून आता था बस। जब सिस्टर ने विशेष प्रार्थना ली तब उसके दूसरे दिन से खून आना बंद हो गया? बंद हो गया। और आप बता रहे कि आप सांस लेने में मतलब आपको नक्की क्या होता था? एकदम दम घुट जाता था, मतलब एकदम खींचना पड़ता था सांस को। खींचना मतलब कैसा? पूरा एकदम खींच के? एकदम खींच के। अगर सांस आप खींचने नहीं ले तो ऐसा रुक जाता था, ऐसा मालूम पड़ता, मतलब जैसा आपका दम घुट जाएगा। दम घुट जाए, मतलब जब तक आप जोर से खींचेंगे नहीं तब तक सांस खींची नहीं जाती थी? नहीं। ये समस्या 2-3 साल से थी? 2-3 साल से। तो ये कैसी गई? मतलब अभी सिस्टर ने अभी ये जो ना डरना गाना चल रहा था ना, नहीं डरना ये गाने के ऊपर पूरा निकल गया मेरा, एकदम चंगा पूरा निकल गया। ये नए गाने में निकल गया? नए गाने। 2-3 साल की समस्या? हाँ, 2-3 साल। अभी अच्छी तरह सांस लेते? एकदम सांस अच्छे। मेरे मुंह में मतलब मैं जब भी खांसता था या ब्रश करता था तो मुंह से खून निकलता था। कम से कम 3 महीने से यही प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन मैं किसी को बताया नहीं। अगले हफ्ता जब सिस्टर इधर मतलब बताएं कि मतलब दांत का विशेष प्रार्थना जिस दिन किया, हाँ दांत का विशेष प्रार्थना सिस्टर ने जब किए तभी मैंने विश्वास के साथ में अपने मुँह पर हाथ रखा और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने पूरी तरह से चंगाई दी। एक हफ्ता हो गया मुझे, मेरे मुँह से खून नहीं निकल रहा है, इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी गवाही बताइए। मेरा नाम सावित्री यादव है, मैं नाला सुपारा से आई हूँ। मेरा गवाही है कि बहुत दिनों से मेरे घर की इच्छा थी बनाने का, उसमें बहुत पानी भर जाता था, हम लोग बहुत परेशान रहते थे। पूरे 40 का बन गया था मेरा, एकदम पानी भर जाता था। हम लोग प्रेयर करते थे तो उसी पानी में खड़े होकर करते थे, और मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु सबका हो गया है, तू तो दया करेगा, अद्भुत रीति से दया करेगा प्रभु। और मैं गुड फ्राइडे को आई, बिनती पेटी में लिख के डाल के गई। यहाँ से मैं जब गई तो मेरा बाथरूम का टाक्यू की सब बन गया, अच्छे से 6 दिन में मेरा डबल माला बन के एकदम रेडी हो गया है। प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये बहन बता रही कि ये काफ़ी समय से प्रार्थना में आती है, पर उन्होंने कभी खुद के लिए कभी विनंती चिट्ठी लिखकर विनंती पेटी में डाली नहीं थी। वो हमेशा प्रार्थना करती थी, पर वो पहले जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पर 3 साल से वो कोशिश कर रही थी कि उनका पैसा जो अटका हुआ था, रुका हुआ पैसा था, वो उनको मिल जाना चाहिए, पर वो मिल नहीं रहा था। पर उन्होंने विश्वास से गए सप्ताह में विनंती लिखकर चिट्ठी डाली, विनंती पेटी में डाली। प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि दूसरे दिन ही उनका जो रुका हुआ पैसा था, जो 3 साल से नहीं मिल रहा था, वो पैसा उनको मिल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। दुनिया मंडल। और क्या तकलीफ थी हाथ पैरों में? मुझे था ना 7 महीने से हमेशा हाथ में या दोनों पैर में जलन होता था, हमेशा होता था, रात में भी होता था, सुबह में भी काम काज करते थे फिर भी जलन जैसा महसूस होता था, हमेशा लगता था कि खुजलाते रहते थे ऐसे पैर, हमको दुखता था। तो वैसे ही आप काम करते थे फिर? हाँ, थोड़ा दर्द होता तो ऐसे आराम हो जाता था, फिर ऐसे 2 घंटे में 1 घंटे में फिर से ऐसे जलन जैसा पैरों हाथ में होने लगता। 7 महीने तक ये परेशानी थी? 7 महीने से था। ठीक कैसे हो गया? मैंने जब भी सिस्टर आशीष देता था तो मैं दोनों पैर में हाथ रखते थे, और कोलसिंग प्रार्थना में भी मैंने सिस्टर को बताया, इसने भी आशीष दिया। इस दिन से अभी 5 महीना हो गया, अभी जलन नहीं होता है। अभी तकलीफ नहीं होती? काम करते समय भी परेशानी नहीं होती? नहीं होता है। भाई आपका नाम बताइए। रंजीत राजभर। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मैं होटल में जॉब करता हूँ, 1 साल पहले एक कीमा मशीन में मेरा उंगली कट गया,
और कटने के बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो डॉक्टर ने उंगली काट के टाँका मारा। टाँका मारने के बाद बोला दो दिन के बाद पट्टी में जो कि खोलूँगा, अगर इस पर ब्लड सर्कुलेशन अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो कि फिर से उंगली आपका काटना पड़ेगा। मैं डर गया, जो कि घबरा गया, जो है कि भाई को मैं बताया, भाई ने जो है कि फ़ोन केंद्र पर लगाए और लगाकर बोले कि सिस्टर ऐसा ऐसा है, हम जो है कि ऐसा सीन हो गया हमारे भाई के साथ में, ज़रा आप लोग प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते कि फिर दोबारा उंगली काटने की जो है कि नौबत ना आए। पूरा टीम ने जो है कि मिलकर हमारे लिए प्रार्थना किया, भाई ने जो है कि और जो है कि परिवार ने जो है कि प्रार्थना किया। दूसरे दिन जब डॉक्टर ने पट्टी खोला तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है कि गुलाब की पंखुड़ी होती है पूरा उंगली के ऊपर जो है कि लाल लाल एकदम आ गया। डॉक्टर जब खोला तो देखा बोले कि इस पर जो है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, उंगली काटने की जरूरत नहीं है, आप घर जा सकते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप उंगली बताइए, सामने कैमरे में दिखाइए, ये देखिएगा इनकी उंगली मशीन में चली गई थी, कीमा बनाने वाली जो मशीन है कट गई थी, और इनको बताया गया था कि अगर ये जगह पे अगर काला हो गया तो दोबारा ये उंगली काटनी पड़ेगी, लेकिन ये इनके भाई ने केंद्र में फोन लगाया और यहाँ की टीम ने जब प्रार्थना की तो प्रभु की दया हो गई और उस देखिए ये उस हाथ पे देखो उंगली काटने की नौबत नहीं आई है, मतलब इनका जो ब्लड सर्कुलेशन था वो पूरी तरह अच्छा हो गया है, मतलब ये खून इनका प्रवाह होता है, प्रभु ने इनको अच्छी तरह से चंगा कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन क्या हुआ था आपको? शू, मेरा नाम प्रीतिका नौजिया है, मैं बादरा से आई हूँ। मेरी गवाही यह है कि मुझे 2 साल से मेरे पैर में दाद हो गया था, इतना दाद हो गया था, मतलब इतना मैं दवा लगाई, बहुत दवा लगाई पर वो जाता ही नहीं था। 2 साल से मैं बहुत परेशान हो गई, दाद भी सही सब कुछ को बहुत खुजली होता था, उसको खुजला देती थी तो उसमें से पानी निकलता था, ऐसा हो गया था, बहुत परेशान हो गई। लेकिन ये 3 वचन विश्वास से बोलती गई, अब प्रभु से बोली, प्रभु ये कैसा दाद है कि जाता नहीं है, प्रभु की अनुग्रह, मेरे प्रार्थना को प्रभु ने सुना और दाद अभी 2-3 महीने हो गए निकल गई। इसलिए प्रभु यहाँ सामने आइए। दोनों पैर में हुआ था कि एक ही में? एक ही पैर में, एक ही पैर में हुआ था और 2 से 3 साल वो तकलीफ थी। 2 से 3 साल हो गया, वो जाता ही नहीं था, इतना दवा भी लगाई फिर भी वो गया नहीं। पर वचन बोलने से प्रभु की कृपा हो गई, अभी वहाँ दाद निकल गया है। निकल गया अभी। दूसरी क्या गवाही है? दूसरी गवाही है कि मतलब दूसरी गवाही है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, 8 दिन तक दर्द हुआ। लेकिन जब गुड फ्राइडे के दिन मैं इधर आई तो सिस्टर ने बोली कि अपनी बीमारी सिर पे हाथ रखो, अपने सीने पे हाथ रखी, उसी दिन से मेरे सीने का दर्द निकल गया। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। आपका नाम बताइए। लखनऊ जिया। और क्या तकलीफ हो गई थी आपको? मैं अपना गवाही बता रही हूँ, मतलब 1.5 महीना पहले इधर मुझे गांठ आया था। वो गांठ आने से मुझे बहुत टेंशन हुआ कि एक बार ऐसे गांठ कैसे आ गया, कभी कुछ था नहीं चेहरे पे, तो टेंशन तो हुआ। फिर मैं मतलब ऐसे टेंशन में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मुझे सिस्टर का एक बात याद आया, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मतलब तकलीफ ही आ जाता तो उस पर ध्यान मत दो, तो मैं वो ध्यान से हटा दी। और आप ऐसे बताया था कि ध्यान प्रभु की ओर लगाओ, प्रभु पे ध्यान लगाओ और तकलीफ पे ध्यान मत लगाओ। तो वो मतलब रात के सोते समय मैं ज़्यादा माटी लेकर के इस पर क्रूस बनाती, हर दिन बनाती थी, 15 दिन में एकदम नष्ट हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी यहाँ पर बिल्कुल भी गांठ नहीं है, यहाँ पर थी इतना मटर जैसे गांठ था। हाँ, मटर प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करने से नष्ट हो गया। और दूसरी गवाही है, आधे पीठ से लेकर के गला तक मतलब ये पूरा नस जैसा हमेशा तान रहता था, दर्द होता रहता था, हमेशा ऐसे झुक नहीं पाती थी या नहीं कर पाती थी, 1.5 महीना 2 महीने से हमेशा दर्द बना रहता था। मैं घर में सो भी नहीं पाती थी, हर दिन बोलती थी इनके पापा को मेरा बहुत तकलीफ है, बोलते विश्वास करो, मैं विश्वास करी और वही माटी का इस्तेमाल करी, तेल माटी का, वो भी मेरा दर्द निकल गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। अभी आप लोगों को गर्दन झुका के दिखाइए, घुमा के दिखाइए गर्दन, अभी दर्द नहीं है? कुछ भी नहीं है। पहले ऐसे करने में परेशानी होती थी? होता था, बहुत ज़्यादा ही होता था, लेकिन अभी कुछ तकलीफ नहीं है। अभी मैं अपने घर का पूरा अच्छे से काम करती हूँ, अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, पहले नींद भी अच्छी से आती है, अच्छे से नींद आता था। पहले तो अपने बच्चों को भी लेती, हम बाबू को लेती, बहुत दर्द होता था, लेकिन छोटा है उसको लेना ही पड़ता था मुझे,
और बेटी को क्या हुआ था? बेटी के बाद 3-4 दिन से मतलब इसके गले में बहुत दर्द रहता था, खाना नहीं खा पाती थी। हर बार बोलती मम्मी मेरा इधर देखो ना सूजा है क्या? अभी भी सूजा नहीं है बाबू, तुम तेल लगाओ और प्रभु तुमको अच्छा करेगा। तेल ज़्यादा ज़्यादा उसको पिला करके सुला देती थी। उसके बाद 2-3 दिन में उसका दर्द निकल गया, मुँह का छाला भी निकल गया। इसके लिए अब हमारी बेटी को प्रभु चंगा किए, हमको चंगा किए, इसके लिए मैं प्रभु ईश्वर के तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रंजना गौतम है। क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि हमने अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी बीमारी की वजह से। मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसमें कम से कम 2 लाख रुपए लग चुके थे। आशीष प्रार्थना केंद्र के बारे में हमें बताया तो हम यहाँ पर अप्रैल के महीने में आए और प्रार्थना विनती में अपनी समस्या को मतलब लिख के फिर हम जून में गाँव चले गए और प्रभु की दया हुई, मेरा ज़मीन भी छूट गया और मेरा जेवर भी मुझे वापस मिल गया। मतलब ज़मीन और जो जेवर आपने गिरवी रखा हुआ था, आपने विश्वास से प्रार्थना बिंदी लिख करके डाला, वो छूट गया है, आपके हाथ में आ गया। हाँ हाँ आ हाँ, गया। प्रभु की दया हुई हमारे ऊपर और हमारा ज़मीन भी हमें वापस मिल गया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। बहन आपको क्या हुआ था? सामर्थ का बारिश का गाना चालू था, वहाँ पर मैं बैठी थी तो सामर्थ से मैं नीचे गिर गई। इस हाथ में मेरे बचपन से दुख रहा था, दुखता था। मैं जब सामर्थ के बारिश से मैं गिर गई थी तो मैं ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई, तो फिर बाद में ना अभी जब से सामर्थ के बारिश के गाना से दुख रहा था अभी नहीं दुखता है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आपको मतलब बचपन से ही कलाई में दर्द होता था तो उसकी वजह से कुछ आते वक्त में ही दुखता था या गोदड़ी धोती थी तब दुखता था। मतलब कोई जो अगर मेहनत का काम किया या उसको वजन उठाया तो दर्द होता था तभी दुखता था और वैसे नहीं दुखता था। और ये कभी ठीक हो गए? आज ठीक हो गए कि ये सामर्थ का बारिश में हो गया? शायद थोड़ा आगे दिन का बात है, ये कुछ सप्ताह हो गए। जब यहाँ पे प्रार्थना शुरू थी उस समय गाने के दरमियान आप गिर गए और उस समय से आपकी कलाई का दर्द निकल गया? लेके खड़े हो गई थी मैं तभी, फिर जाके हाथ ठीक हो गया। तब से अभी तक मैं आटा कितना भी शांति हूँ ना तो मुझे दर्द नहीं होता। कोई भी वजन का काम कर दे तो भी दर्द नहीं होता? नहीं होता है। प्रभु ने आपको ठीक किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। एक महीने से इस बहन के बाएं हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। वो घर का काम अच्छी से नहीं कर पाती थी, हाथ उठाने में हलचल करने में उनको तकलीफ होती थी। लेकिन अब भी जब यहाँ पर चंगाई की प्रार्थना हो रही थी तब ये बहन रोकर अपने इस दर्द के लिए प्रभु के पास विनती कर रही थी। उस समय पे इस बहन ने ऐसे देखा कि उनके हाथ प्रभु के तरफ ऐसे फैले हुए हैं और अपनी सिस्टर उनके हाथ में सफ़ेद रंग का कुछ तो रख रही है। ये देखने के बाद ये बहन प्रभु के सामर्थ्य से नीचे गिर गई और उठने के बाद उन्होंने देखा तो उनके हाथ का दर्द प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया था। इसीलिए आप सब ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। बहन आगे आइए। आपको बहुत ज्यादा दर्द था एक महीने से? हाँ, यहाँ तो उठता नहीं था, मेरा बिल्कुल नहीं उठता था। नहीं, उठने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ठीक कैसे हो गए? अभी जो ये 3 वचन बोला जा रहा था ना, मैं बैठी थी ऐसे बोल रही थी तो मेरा आँख झप गया तो थोड़ी टाइम के बाद सिस्टर ने ऐसा कुछ लेके आई मेरे हाथ में, ऐसे वो सफ़ेद सफ़ेद रखी। और उसके बाद जब आप सामर्थ्य से गिरने के बाद उठे उसके बाद दर्द निकल गया था? हाँ, तो मैं जब देखा तो मेरे आँख खुली तो मैं बोला हाँ क्या हुआ, तो उसके बाद मैं उठी तो गिर गई पीछे, तो ये गिर गया तो हाथ मेरा ठीक हो गया। अभी आप हाथ ऊपर नीचे करके दिखाइए, अभी दर्द पूरा निकल गया है। सभी जन जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। बहन आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुनीता आर्या। सुनीता आर्या, और आपको क्या हुआ था? मेरे सिर में गांठ हो गई थी, इधर थी इतना बड़ा गांठ हो गई थी और वो गांठ ऐसा हाथ में आती थी। 1 महीना हो गया, 15 दिन पहले मैं यहाँ आई थी प्रार्थना में, जब इस सिस्टर ने आशीष दिए अपने बीमार हिस्से पे हाथ रखो तो मैंने ऐसा हाथ रखी और घर पे गई तो गांठ मेरी नष्ट हो गई। तभी से वो गांठ निकल गई? हाँ, तभी। आप बताइए कहाँ पर वो गांठ आई थी? इधर आई थी, ये भाग पे, ये साइड में आई थी। मतलब बड़ी थी वो गांठ? इतना बड़ी थी, हाथ से ऐसा पकड़ लेती थी मैं। ऐसे कीजिए, यहाँ पे आ गई थी और वो गांठ ऊपर से हाथ में दिखाई देती थी? ऊपर से मैं शीशा में देखती थी, अलमारी पे खड़ी होके मैं ऐसा शीशा में भी देख लेती थी। मतलब वो दिखाई देता था?
दिखाई देता था और इतना सर दुखता था, मैं तकिया लगा के सो नहीं पाती थी, चार दिन में बहुत परेशान थी। इतना ज़्यादा आपको तकलीफ होती थी, पर अभी वो गांठ नष्ट हो गई है? हाँ नष्ट हो गई, अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है, एकदम अच्छा हो गया। सर में दर्द भी नहीं होता तब से? नहीं कुछ नहीं होता। और दूसरा क्या हुआ था आपको? दूसरा गवाही है, मेरे सीने में दर्द रहता था बहुत दिन से, 6 महीना से दर्द, कभी इधर दुखता था कभी इधर दुखता था, मैं बहुत परेशान हो गई थी और सांस लेने भी हमको तकलीफ होती थी। मैं सांस लेती थी तो ऐसा लगता था मेरे गले में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा अटका ऐसा लगता था हमको। मैं यहाँ आई थी प्रार्थना में, 1 महीना हो गया मैं यहाँ आई थी, मैं अपने सीने पे हाथ रखी और मेरा अभी 2 महीना हो गया, अभी कुछ नहीं दुखता है, मेरा सीने का दर्द भी चला गया और ये गले में भी कुछ नहीं पता चलता है। जो आपको पहले ऐसा लगता था कि कुछ अटका हुआ है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता? नहीं कुछ नहीं होता है। और आँखों में क्या हुआ था? आँखों में मेरे को बहुत दर्द होता था पूरा, इधर से लेके आँख में बहुत दर्द है। मैंने जांच भी कराई, डॉक्टर ने बोला 2 साल चश्मा लगाओ, फिर मैंने सब करके देखी, मैं रोती थी, मेरे को थोड़ा सा भी आंसू गिरता था तो ऐसा लगता था मेरा आँख कट जाएगा। मैं बहुत ऐसा आँख कपड़े से भी मैं बहुत आँख कलबलाते रहती थी, इसके डर के नाते से मैं यहाँ कितना भी सब लोग रोते थे, जब यहाँ पर अपना होता था अपना पश्चाताप करो मैं भी रोती थी तो मेरा आँख बहुत लाल हो जाती, मैं बहुत आँख कलबलाती थी। उसके बाद मैंने एक दिन प्रार्थना करी, प्रभु जी मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं भी बहुत रोना चाहती हूँ। फिर मेरे को प्रभु यहाँ सामने देखिए, फिर आगे क्या हुआ? मैं एक दिन प्रार्थना करी, मैंने भी रो रो के इतना प्रार्थना करी, तब से मैं 1-1 घंटा रोती हूँ, मेरा आँख भी लाल नहीं होता है और मुझे आँख का कलबलाने की भी जरूरत नहीं लगती है। जो आपको पहले आँख में जलन होती थी, मतलब थोड़ा भी आँखों से पानी हुआ तो आपको ऐसा लगता आँखें कट के निकल जा रही है, मेरे को दिक्कत होती थी, प्रभु ने वो समस्या भी निकाल दी है। निकाल दी है। सब लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम हेमा मंडल है और उनकी बेटी है, उस बेटी को हाथ में और अंगूठे में इल्ला हो गया था जिसके कारण से देखने में बहुत ख़राब दिखता था और 2 साल ऐसा चलता रहा और ये प्रभु से प्रार्थना करती गई, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती गई, प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। अभी 2 महीने से वो इल्ला निकल चुका है, एकदम ठीक हो गया है, इसलिए आप लोग तालियाँ बजा कर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। जरा तुम्हारा हाथ दिखाओ कहाँ पर हुआ था, ये जो निशान दिख रहा है यहाँ पर हाथ पे, और कौन सी जगह पर था? इधर और एक किधर, यानी ये अंगूठे के ऊपर हुआ था, अंगूठे के ऊपर हुआ था। अभी वो पूरी तरह से ठीक हो गया है? हाँ। कैसे ठीक हुआ? तेल लगाया और मट्टी लगा, 3 वचन बोलते रहा, सिस्टर बोला जिस जिस बीमारी में बीमारी है उसमें आशीष डाल, तो मैं हाथ डालते गया ठीक हो गया। उसके बाद प्रभु की दया ठीक हुआ। आपकी मम्मी भी प्रार्थना करती गई? हाँ। इस बहन का नाम राजाबाई कांबळे है, 3 सालों से इस बहन के पैर के हड्डी के ऊपर जख्म तो नहीं था लेकिन वहाँ से पानी निकलता था, पू निकलता था और हमेशा बैठते समय उनको तकलीफ होता था, लेकिन वो विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती रही, प्रभु के पास प्रार्थना करती रही और प्रभु की दया से उनकी वो तकलीफ निकल गई है। इसके अलावा ये बहन बताती है कि इनके घर में तनख्वाह तो आती थी लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा बचता नहीं था, लेकिन इन्होंने प्रवचन के द्वारा सुना कि जब भी प्रभु को हम देते हैं तो अपने ऊपर प्रभु के आशीष आते हैं। इस बहन ने अपने दान को बढ़ाने के लिए शुरुआत की और प्रभु के अनुग्रह से अभी उनके पैसे के ऊपर आशीष आ गए हैं। इसके अलावा ये बहन अपने घर में जो भी कुछ अनाज भरती थी वो उनको पूरा तो हो जाता था लेकिन उसमें से कुछ भी बचता नहीं था, लेकिन ये बहन बताती है सिर्फ 4 ही जन है लेकिन तो भी वो ज़्यादा अनाज भरती थी लेकिन उसमें से भी बचता नहीं था, लेकिन 25 दिसंबर के दिन जब यहाँ से क्रूस दिया गया, इस बहन ने वो क्रूस विश्वास से अपने घर में लगाया, उस दिन से प्रभु का अनुग्रह हो गया है, अभी उनके घर के सारे लोग खा के बचता है। ये बताती है कि अभी 4 के जगह पे 8 जन भी खाना खाएंगे तो भी वो कम नहीं पड़ता है। इसके अलावा इनके बेटे को अब खुद की मोटरसाइकिल लेने की इच्छा थी, इस बहन ने निवासी शिविर में प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की और दूसरे ही दिन उनके बेटे ने मोटरसाइकिल ले ली है, इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। बहन क्या हुआ था आपको? दिसंबर महीने से मेरा सर दर्द करता था और चक्कर आता था,
मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और यहाँ पे मैं एक बहन से ऐसा मतलब बात की कि नहीं ऐसा चक्कर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो बोले कि नहीं आप पश्चाताप करो और शिविर लो। और मैं 22 जनवरी को शिविर लिया और शिविर के दौरान में सिस्टर ने जब भी मुझे मतलब आशीष दिया सर पे, और मुझे ऐसा मतलब होता था कि सिस्टर मुझे जहाँ पे दर्द हो रहा है वहीं पे मतलब आशीष दे सर पे। और मेरे सर के बीचों बीच में सिस्टर ने उस दिन आशीष दिया और मेरा सर का दर्द और चक्कर जो था निकल गया। अभी 2.5 महीने हो गया तब से मुझे नहीं चक्कर और नहीं सिर का दर्द नहीं होता है। प्रभु ने मुझे प्रभु ने आपको चंगा किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम हीरेंद्र मंडल है। बताने कि 10 दिन से इनके पेट में दर्द हो रहा था। जब डॉक्टर के पास गए, जब चेकअप हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके लीवर में सूजन है, इसके वजह से दर्द हो रहा है। और उसका इलाज शुरू हो गया लेकिन दर्द नहीं जा रहा था। आज आए तो भी था। प्रार्थना के दरमियान सिस्टर ने बताया बीमार भाग पर हाथ रखो, विश्वास के साथ पेट के ऊपर हाथ रखे। जहाँ दर्द हो रहा था प्रभु यीशु का महान स्पर्श इनको हो गया, उसके बाद से इनका दर्द पूरी तरह से निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु से धन्यवाद दीजिए। भाई आंखें खोलिए। आप बता रहे हैं कि दर्द 10 दिन से हो रहा था, इलाज हुआ लेकिन दर्द नहीं गया। आज भी दर्द हो रहा था जब सिस्टर ने बोला बीमार भाग पर हाथ रखो, उसके बाद क्या हुआ? वो सिस्टर ने बोला जो हाथ रखो चंगा हो जाएगा, तो जैसे रखे तो अभी एक बूंद भी दर्द नहीं है। ये 10 दिन से दवाई खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो चंगा ही नहीं, वो ठीक ही नहीं हो रहा। दवाई भी काम नहीं कर रहा। आते वक्त भी बहुत ज़्यादा दर्द था, अब भी आधा घंटा भी पहले भी दर्द था, आराम नहीं हो रहा था। वो जब हाथ रखवाया अचानक से दर्द नहीं है, अभी बैठने से भी जो दर्द हो रहा। जरा बैठ के दिखाइए। जब पहले बैठते थे तभी आपको दर्द हो रहा होता था? अभी नहीं, मालूम ही नहीं। जरा चल के बताइए, चलने में भी आपको दर्द हो रहा था? जरा चल के यहाँ पे दिखाइए, अभी दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्रभु ने चंगा किया। दौड़िए दौड़िए, जरा दौड़ कर बताइए, जाइए आगे तक, यहाँ पर आइए। अभी आपको दर्द बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। प्रभु यीशु ने आपको चंगा कर दिया। प्रभु यीशु ने चंगा दिया, धन्यवाद। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हम
कटरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है यीशु है सच कड़रिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच कड़रिया जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है अभी अभी। प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है, छू रहा है। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद। देखो इस महान प्रभु की ओर, वह आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है, आपके बहुत नज़दीक है। ये पूरी जगह उसकी पवित्र उपस्थिति से भरी हुई है। अपनी आँखें बंद करें और आत्मा से प्रभु को देखे, क्योंकि प्रभु आत्मा है। वो ही हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा जीवनदाता, हमारा बनाने वाला आज यहाँ है। उसी ने आपको उसके चरणों के पास इकट्ठा किया है। ये उसकी योजना है, ये उसकी इच्छा है। वो आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहता है। वो आपके शरीर में से हर बीमारी निकाल कर आपको चंगा करना चाहता है। अपनी आत्मा से उसे देखो कि वो कितना अच्छा है, कितना भला है, वो आपसे कितना प्रेम करता है। आपके जीवन का सारा बोझ उसके हाथ में दे दो। वो हमें दुख नहीं देता, वो चाहता है कि हमारे शरीर से बीमारी निकल जाए, हमारे जीवन से दुख निकल जाए। यीशु ने कहा था, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आज प्रभु यीशु आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, और इसलिए आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, बीमारी, संकट प्रभु के हाथ में दे दो और आत्मा से उसे परखो, उसे देखो कि वो कितना अच्छा है, कितना प्रेम करता है। आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो आप पर इतना प्रेम करेगा जितना प्रेम प्रभु यीशु ने किया है। हमें बचाने के लिए, नरक के घोर अंधकार से हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों को अनंत काल के लिए मिटाने के लिए प्रभु यीशु इंसान बना, धरती पर आया। उस दुष्ट शैतान के हाथ से हम पीड़ा उठा रहे थे, दर्द उठा रहे थे। यीशु आया हमें बचाने के लिए, शैतान के हाथ से हमें बाहर निकालने के लिए। वो अंधकार का राजा जो हमें पीड़ा और दर्द दे रहा था और हमारी आत्मा को विनाश की ओर लेकर जा रहा था, यीशु ने हमें छुड़ाया, उस दुष्ट के हाथ से हमें बाहर निकाला। और इसके लिए प्रभु यीशु ने अपने खुद के शरीर की और लहू की कीमत दी। वो लहूलुहान हुआ और उसने क्रूस पर जान दी। क्रूस पर मरने से पहले प्रभु ने कहा था, पूरा हो चुका है। उसने हमारे सारे अधर्म को,
सारे पापों को पूरी रीति से उठाया है, पूरा दंड लिया है, कोई बाकी नहीं छोड़ा है। यह उसका प्रेम है कि आज हम जीवित हैं। यह उसका प्रेम है कि बड़ी आसानी से हम पापों की क्षमा पाते हैं। यह उसका अनंत प्रेम है कि हमारे लिए स्वर्ग खुल गया है। ये उसका प्रेम है कि हमारे नाम जीवन के किताब में लिखे जाते हैं। ये उसका प्रेम है कि हमें अनंत जीवन की आशा मिल चुकी है और प्रभु ने कहा है, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा कितनी बड़ी है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तूने मुझे बचाया, नया जीवन दिया, मुझे क्षमा किया, मुझे चंगा किया, मुझे खुशी से भर दिया, मुझे अनंत जीवन दिया। तुसे धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तू ही मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा सहारा है, मेरे दिल का राजा है। तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। तालियां बजा कर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 प्रभु धन्यवाद। और अभी शांत होकर प्रभु के सामने अपना हृदय खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। आज उन सबों को क्षमा करो, ये प्रभु की आज्ञा है, उसका आदेश है कि हमें हर दुश्मन को, हर अपराधी को क्षमा करने चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने आपको सताया, छल किया, धोखा दिया, बड़ा नुकसान किया, अपमान किया, बदनाम किया, आपको बर्बाद किया, ऐसे सब लोगों की याद करो। आपके मन में खुद के पति के लिए गुस्सा होगा, पत्नी के लिए, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, बहू, दामाद, घर के कोई भी लोग या पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी या और कोई लोग हो सकते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं, आपके मन में गुस्सा है। हो सकता है कि आप उनसे बातें भी किया करते हो तो भी मन में गुस्सा है। आज उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ। हर एक जन, सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो। अपने मन में गुस्सा ना रखो, नफरत ना रखो, क्योंकि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पापों की हम परमेश्वर से क्षमा नहीं पा सकते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब ही परमेश्वर हमें क्षमा करता है। क्षमा करो, सारा गुस्सा निकाल डालो। यदि आपको कठिन लग रहा है तो प्रभु से शक्ति मांगो, वो क्षमा करने वाला दया और प्रेम का सागर है, वो आपको भी शक्ति देगा कि आप आपके दुश्मनों को क्षमा करो। प्रभु से शक्ति मांगो, आत्मिक ताकत मांगो और सबों को क्षमा करो, क्षमा करो। टच, टच, टच। और अभी अपने खुद के पाप प्रभु के सामने कबूल करो। हमारे बताने से पहले ही वो महान परमेश्वर सब जानता है, इसलिए कुछ छिपाने की कोशिश ना करो। नम्रता से, लीनता से अपने सारे पापों को प्रभु के सामने खोल दो।
चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लूटना, अन्याय करना, अंधेर करना। कबूल करो, आपने किस पर अन्याय किया है, किस पर जुल्म जबरदस्ती की है, किसका नुकसान किया है। कबूल करो अपने पाप, मन के बुरे विचार, आंखों से जो गलत देखा, जबान से जो गलत बोला है, किसी को गालियां दी, निंदा की, मजाक उड़ाया, कबूल करो। आपके जीवन के सारे गुप्त पाप कोई नहीं जानता है, परमेश्वर जानता है। आप उन गुप्त पापों को भी परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने खोल दो, क्योंकि जो पाप कबूल करते हैं उन पर दया होती है, उन्हें परमेश्वर से दया प्राप्त होती है। बहनों, यदि आप अपने पति के अधीन नहीं रहती है, भाइयों, यदि आप अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं, आपने आपके बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं किया होगा, उनके प्रति आपका जो फर्ज है उसे नहीं निभाया होगा, कबूल करो। बच्चों, यदि आप माँ बाप की नहीं सुनते हैं, उनको उल्टा जवाब देते हैं, उनके साथ झूठ बोलते हैं, कबूल करो। हर कोई अपने अपने पापों को कबूल करे और नम्रता से, लीनता से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच, टच, टच। और अभी उन पापों के लिए आज सुबह कर पश्चाताप करो, रो अपने पापों के लिए, ये समय है पापों के लिए रोने का। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने दिल को फाड़ कर पश्चाताप करो। प्रभु ऐसा पश्चाताप चाहता है जो दिल को फाड़ कर किया जाता है, सच्चा, सच्चा पश्चाताप। प्रभु से कहो, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पाप नहीं करने चाहिए थे, मैंने तुझे दुख दिया है, मैंने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है, मुझे बुरा लगता है। टच, टच, टच। और अभी अपने पापों की प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने लहू बहाया है। अपनी आत्मा से प्रभु यीशु के क्रूस को देखो, क्रूस पर से बहने वाले पवित्र लहू की ओर देखो, ये लहू हमारी मुक्ति के लिए बह रहा है, हमारी पाप क्षमा के लिए बह रहा है, हमें पापों से आज़ाद करने के लिए बह रहा है। अपने हाथों को उठाओ और दिल की गहराई से उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर,
मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी जरूरत है, तू ही मेरा सहारा है, मेरा मुक्तिदाता है, मुझे बचा ले, मेरे पापों से मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगा करेगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बंद कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं है उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, उच्च आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, और इसी समय घर से लाया हुआ तेल पानी रुमाल और जिन चीजों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ, प्रभु यीशु उन चीजों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ।
आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज आप यीशु को ग्रहण करके अपनी आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है और आपकी आत्मा की मुक्ति हो गई है तो आपको ये प्रार्थना बोलने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं। Thank you.